हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सरफ। ये है नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे मिक्सचर के बारे में, जो कि सेकंड कंपोजिशन है मैटर की। एक प्योर कंपोजिशन होती है, एक मिक्सचर कंपोजिशन होती है। मिक्सचर हमारे पास दो तरह के रहते हैं, एक हेट्रोजीनियस एक होमोजीनियस। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके कंपोजिशन पूरे मास में इक्वल रहती है। इट हैज फिक्स्ड और वी कैन से यूनिफॉर्म मास में उसकी कंपोजिशन सही बराबर बराबर रहती है। जितनी एक एरिया में है, जितनी इस एरिया में है उतनी ही यहाँ पे मिलेगी, उतनी ही यहाँ पे मिलेगी, उतनी ही यहाँ पे। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में जब मिक्स होते हैं प्रॉपरली, सेम तरह का मिक्सचर होता है हर पार्ट में। ऐसा नहीं एक पार्ट में डेंस है एक पार्ट में रेयर है, सारी जगह पर उसकी कंपोजिशन बराबर होती है। और हेट्रोजीनियस के केस में क्या होता है, इट हैज़ non-uniform composition। throughout the matter, mass। इसमें होगा कि इस पार्ट में आपकी कंपोजिशन हो सकता है थिक पार्टिकल्स हैं और इस पार्ट में हो सकता है थिन है, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो इक्वल नहीं होती। अब देखते हैं इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स और थोड़ा डिटेल में होमोजीनियस मिक्सचर्स को। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं, तो अगर आपने सॉल्यूशन सोच के पढ़ना, आप सॉल्यूशन सोच के पढ़ लो, क्योंकि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट की हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है उनकी कंपोजिशन कैसे यूनिफॉर्म होती है कैसे नहीं होती। उसके लिए मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स इकट्ठी करी और उनको हम एक वन बाय वन स्टडी करेंगे कि किसमें यूनिफॉर्म है किसमें नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर हम देखें गैस को, गैस में मिक्स किया जाए जैसे कि एयर, हमारे अराउंड जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे गैसेस मिक्स हैं। लेकिन हम कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि इसमें, यहाँ पे इस पार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस पार्ट में ऑक्सीजन कम है। हर जगह ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। वो ऐसा नहीं कि एक जगह कम होगी एक जगह ज़्यादा होगी, बराबर है हर जगह। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें, क्योंकि गैसेस में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है तो वो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती हैं जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, तो हेट्रोजीनियस का इसमें नहीं बनता। लिक्विड इन गैस, हमारी एयर गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी गैसेस हैं, सो इट इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज गैस। तो उसमें जितने भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर वेपर, मीन्स लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस की एग्जाम्पल है जो कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं। ऐसा नहीं कि हवा के इतने से पार्ट में ज़्यादा वेपर्स हैं और इस पार्ट में कम वेपर्स हैं, थ्रू आउट द एरिया सेम रहेगी। सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, वो भी थ्रू आउट सेम रहेंगे। आप 1 किलोमीटर का एरिया ले लीजिए, उस पूरे एरिया में अगर धूल मिट्टी उड़ रही है तो सारी हवा में ऑलमोस्ट सेम अमाउंट रहेगा यूनिफॉर्म। आगे है गैस इन लिक्विड, अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए, मींस ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व कर दे, दोनों में अगेन डिफ्यूजन की क्वालिटी है, तो डिफ्यूज करेंगे इट मींस पूरे वाटर में सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिलेगा। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, आप मिल्क को वाटर में मिक्स कीजिए या जूस को वाटर में मिक्स कीजिए, हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे जूस ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, इस एरिया में मिल्क ज़्यादा है या नीचे वाले एरिया में मिल्क ज़्यादा है। पूरे पार्ट में ये वाटर और मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी। लेकिन अगर हम ऑयल को वाटर में मिक्स करें तो ऑयल और वाटर
मिक्स ही नहीं होते, इसीलिए दोनों की लेयर्स अलग अलग रहती हैं और उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाती, इसीलिए दे आर हेट्रोजीनियस। और उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, आप सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करें लिक्विड में, पूरे में मिक्स हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आधा लिक्विड ज़्यादा मीठा होएगा, आधा लिक्विड कम मीठा होएगा, सारे के सारे में पूरा सेम स्वीटनेस आएगी। बट अगर हम चॉक को मिक्स कर दें वाटर में, ऊपर वाले एरिया में छोटे फाइन पार्टिकल्स, लेकिन बाकी का चॉक नीचे बैठ जाएगा, तो वहाँ पे कंपोजिशन का फ़र्क आ गया, नीचे ज़्यादा कंपोजिशन है, ऊपर कम कंपोजिशन है। और उसके बाद है गैस इन सॉलिड, दिस इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल जो हमारे नाइन्थ लेवल में नहीं है, तो जस्ट मैं इसको ऐसे स्किप करूँगी। हाइड्रोजन को पैलेडियम में मिक्स किया जाता है, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। पैलेडियम एक सॉलिड होता है जिसमें हम हाइड्रोजन डिफ्यूज करते हैं, हाइड्रोजन मिक्स करवाते हैं। नेक्स्ट इज मर्करी इन अमालगमेटेड जिंक, हमारे पास जिंक अमालगमेटेड जिंक रहता है विच इज़ बिट सॉलिड, और उसमें हम मर्करी मिक्स करते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड के लिए हम एलॉयज बनाते हैं, जब हम दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके एक नया एक मटेरियल बनाते हैं, उसे हम एलॉय बोलते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज, ठीक है, तो उसमें भी कंपोजिशन सेम रखी जाती है। और हेट्रोजीनियस के केस में क्या होते हैं, अगर आपने मिट्टी में स्टोन्स मिक्स कर दिए, सैंड में स्टोन मिक्स कर दिए, एक जगह कम स्टोन हो सकते हैं, दूसरी जगह ज़्यादा स्टोन हो सकते हैं, तो उनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। या फिर आपने आयरन फिलिंग्स, आयरन की जो नेल्स हैं उनको मिक्स कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों को, आयरन के टुकड़ों को मिक्स कर दिया सैंड में, तो वो भी कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं। तो जनरली हमारे पास जो है होमोजीनियस मिक्सचर है वो ज़्यादा है, और हेट्रोजीनियस थोड़ी सी टाइप के बनते हैं। सो दिस इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल्स।